गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू अन अकेडमी नीट्स वेलकम एवरीबडी शाबाश बुलाओ सबको राइट सो वे स्टार्टिंग टॉपिक जिसमें हमें आज एंडोमेमरियन सिस्टम कंप्लीट करना है वी ऑलरेडी डिड एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम ये हमने कंप्लीट कर लिया था इफ़ यू गाइज रिमेंबर दैट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चलो बेटा शाबाश रेडी ओके एंड आज की क्लास भी मैं पिन करा देती हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सको क्लास वेटो 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 टुडे इज इलेवेंथ ओके ओके चलो सो दिस इज लेक्चर नंबर टू फॉर 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 एंडो सिस्टम कल वाले टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है इसी टॉपिक से आगे लेके जाएंगे here, An तो नीट, का जो है, उस पर साढ़े ग्यारह बजे सुबह सेशन होता है और छह बजे शाम को ठीक है ये हमारा टाइमिंग है बेटा यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास चल रही है यहाँ पे इलेवेंथ क्लास चल रही है इसके अलावा प्लस पे आई विल बी स्टार्टिंग विद विद फोटो सिंथिस पंद्रह तारीख से पंद्रह तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा फाइव पी एम वो चल रहा है ठीक है फाइव पी एम इसका टाइमिंग है इसके अलावा टू पी एम स्पेशल क्लास प्री स्पेशल क्लास जिसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दीज आर फ्री क्लासेस ऑन टाइमिंग टू पी एम ठीक है या फिर आठ बजे आठ बजे क्योंकि जेनेटिक्स आई विल बी टीचिंग इन ट्वेल्थ क्लास तो उसके क्वेश्चन वहां कराने जरूरी है ठीक बेटा शाबाश आ जाओ फटाफट से क्लास में रेडी वी आर स्टार्टिंग टॉपिक तो प्लस और आइकॉनिक दो कोर्सेज आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करता है प्लस पे वी आर गिविंग यू मोर इंटरव सेशन जहाँ आप डाउट क्लियर कर सकते हो मैं फोटो सिंथोसिस स्टार्ट करूंगी पंद्रह तारीख से आ जाना क्लास देखना समझ में आ जाएगा राइट उसके अलावा अगर आपको थोड़ा पर्सनलाइज अटेंशन और चाहिए यू वॉन्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स एज वेल की आपको पढ़ने में हेल्प कर दे टाइम टेबल में हेल्प कर दे एनालिसिस में हेल्प कर दे ये सारी हेल्प अगर साथ साथ चाहिए तो आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो कोड दोनों के लिए रहेगा बेटा कोमन लाइव राइट बोथ द कोर्सेज यू हैव टू यूज कोड कोमल लाइव और कोमल लाइव कोड यूज करोगे तो दस परसेंट ऑफ मिल जाएगा अब मस्त बात यह है कि दस तारीख से सत्रह तारीख तक टेन टू सेवनटीन ऑफ नवम्बर जिसके बीच में अपना पंद्रह तारीख से भी कोर्स शुरू हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे वेन यू गो फॉर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी टेन परसेंट डिस्काउंट पे प्राइस चल रहा है यू यूज कोमल लाइव कोड आपका ओवरऑल ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट हो गया ठीक है किसी भी स्कॉलरशिप आन अकेडमी पे बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं जो लीस्ट है वो पंद्रह परसेंट का स्कॉलरशिप है सबसे नीचे वाला तो उससे ज्यादा तो वैसे ही मिल रहा है आपको बिना कोई एग्जाम दिए नॉट गोइंग टू गिव एनी एग्जाम कोई कॉम्पिटिशन नहीं सीधा ट्वेंटी परसेंट ऑफ लेकिन वैलिड फॉर ओनली दिस मच ड्यूरेशन सो मेक श्योर कि आप एनरोल कर लो कोड आपको बता ही दिया मैंने कोमल लाइव के ओ एम एल एल आई वीई लाइव डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक के साथ ठीक है हाँ जी तो ऊपर हो गया आपका टॉपिक पिन इस पे आओगे बीस क्वेश्चन करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक तो आज ध्यान से सुनना क्लास ठीक वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रिवाइजिंग लिटिल बिट फॉर यू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा चार ऑर्गेनलीज आते हैं फोर ऑर्गेनलीज एंड दीज फोर ऑर्गेनलीज दैट वी हैव कौन से कौन से पहला एंडो एंडोमेंडोर प्लास्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम ई ER आर बोलते हैं दूसरा गोल्जी थर्ड वैक्यूल एंड फोर्थ लाइजोजोम ठीक है हमने ऑलरेडी ई आर कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विथ गोल्जी बॉडीज रेडी हाँ और ना इसको सीधा सीधा लिखेंगे और फिर एक पूरा ओवरव्यू भी बनाएंगे पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ठीक अब जैसे मैंने बताया था गोल्जी ईआर का चचेरा भाई ठीक है ज्यादा दूर नहीं है काम सिमिलर सा ही है जैसा जैसा आपका ईआर दिखता था वैसा ही गोल्जी बॉडीज भी दिखेगा तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड ऑर्गेनली ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम गोल्जी अपरेटस ठीक है अब गोलजी ऑपरेटर्स क्या क्या काम करने वाला है और स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ई आर का जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होगा सिमिलर राइट सो इफ यू लुक एट ई आर देखो ई आर में हमारे पास यहां मैं छोटू सा न्यूक्लियस बनाऊ इसको बना दे चलो आ जाओ ये है आपके पास ठीक है थोड़ा अजीब दिख रहा है वगैरह ऐसा ही दिखता है ठीक ओके नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हमारे पास ई ER से वेसिकल आते थे बेटा कुछ अगर आपको याद हो तो ई ER में से कुछ वेसिकल निकलते हैं और वो जाके फ्यूज कर जाते हैं विद गोल्जी ठीक है देखो यही चीज मैंने आपको कल बताई थी ये जिफ में देखना ये जो पिंक वाला है दिस इज योर गोल्जी ये ई आर ई आर से निकल रहा है और येलो वाले के अंदर जाके कुछ वेसिकल्स फ्यूज कर जा रहे हैं दैट इज नोन एज योर गोल्जी अब गोल्जी बॉडी इज रिसीविंग वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिक्युलम ड्रॉ कर लो तब तक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट तो प्रोटीन उसके ऊपर बन रहा है तो एक तरीके से वो भी प्रोटीन ही बना रहा है

फॉर्मिंग फेस क्योंकि यहां से वेसिकल जाता है और गॉलजी में फ्यूज करता है और या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉन्वेक्स फेस कॉन्वेक्स फेस ठीक है अब ये वाला साइड तो वो हुआ जो कि न्यूक्लियस और ईआर आर को फेस कर रहा है जो दूसरी तरफ है इधर की तरफ है दिस फेस इज नोन एज ट्रांसफेस ट्रांस फेस ट्रांस फेस इज जहां से टूटता है गोलजी आगे को वेसिकल भेजता है ठीक है सो दिस इज मेच्योरिंग फेस मेच्योरिंग फेस एंड निकल रहा है इधर से फॉर्मेशन हो रहा है आप इधर की तरफ देखो थोड़ा सा केव है ना तो कॉनकेव कॉनकेव फेस ठीक इजी काम किसका कौन और क्या ईआर ने बना बना के भेजे वेसिकल गोल्जी ने बोला ला मुझे दे दे ठीक इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही हैं। थोड़ा सा फ्लैट सा मोटू सा जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज योर सिस्टर ने जो लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक हैं उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स ये कहलाते हैं वेसिकल्स बेटा नोट्स तैयार रखना ताकि मैं संडे को जब एनसीआर रीडिंग कराऊं तो आप क्लास में हो ठीक है हम नोट्स कर रहे हैं धीरे धीरे पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं संडे को मैं एनसीआर रीडिंग पूरी कराऊंगी साढ़े ग्यारह बजे से और उसके बाद वी विल डू क्वेश्चंस एट रात को दस है हाँ दस बजे दस बजे रात को क्वेश्चंस है तो आप देखो एक हफ्ते का टाइम एंड पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वन वीक फॉर वन चैप्टर खत्म इससे बेटर क्या ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गई बात कि यहाँ पे हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर है ही ने, वैसा ही, जैसा जो होगा ट्यूब्यूल होगा और जो छोटे छोटे वेसिकल्स की तरह निकल रहा है वो वेसिकल होगा ठीक बट कुछ बड़े वेसिकल्स भी निकलते हैं लार्जर इन साइज देर आर सम लार्जर वेसिकल्स ऑल्सो रिलीज जिनको हम गोल्जिन वैक्यूल्स बोल देते हैं साइज थोड़ा बड़ा है वेसिकल का साइज छोटा होगा गोल्जियन वैक्यूल्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा गोल्जियन वेसिकल्स वैक्यूल्स वेसिकल छोटा है साइज में वैक्यूल्स ठीक है दे विल कैरी वॉट विल दे कैरी उसके बारे में डिस्कस करे डायग्राम हो जाना चाहिए कंप्लीट नोट्स के अंदर राइट नाउ पहली चीज तो आप देखो इंटरनली कितना ज्यादा कनेक्टेड है ये है ना स्टैक्ड विद वन अनदर स्टैक्ड विद वन अनदर एक के अंदर एक लगा हुआ बिल्कुल अच्छे से बन के ऑलमोस्ट सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गोल्जी जीव ऑपरेटर्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय

आप देखो ये इंटरनली कनेक्टेड है है ना इर ER के जैसा जबकि आर नॉट जस्ट स्टैग्ड साइड बाय साइड यूजुअली नॉट कनेक्टेड और एक बार फंगस की बात करते हैं बायो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में भी आएगा फंगस के अंदर जो गॉल्जी मेरे पास है दैट इज सिस्टर्नल सिस्टर ये है भाई सिर्फ एक वन सिस्टर ने वेसिकल नॉट वेरी नेटवर्क ना बहुत नॉट ज्यादा वेरी फैला हुआ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बहुत इलेबरेट नहीं बन रहा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है में आपको ज़्यादातर ऐसा मिलेगा नॉट वेरी मच स्टैक्ड बहुत सारे गोलजी के ऐसे लेयर्स एक साथ नहीं होंगे ठीक है इंडिविजुअल सिस्टर आर देर सो दिस इज द डायग्राम मूविंग टू द फंक्शन दैट वी गया फंक्शन पे आते हैं फंक्शन क्या है गोलजी ने ई ER आर से वेसिकल लिया था तो कुछ मॉडिफिकेशन करेगा ये एक तरीके का पोस्ट ऑफिस जैसे एक्ट करता है आपने चिट्ठी बना के भेजी वहां पे जाके स्टैंप लगेगा अब जहां जाना है उधर भेज दिया जाएगा सिमिलरली दिस गोलजी इज ऑल्सो ये इधर उधर से सब जगह से वेसिकल लेता है ज्यादातर ई ER आर से वेसिकल लेता है और फिर उसको मॉडिफाई करके और फिर बाहर की तरफ भेज देता है अब वो बाहर कहाँ हो सकता है सेल के अंदर ही कहीं चाहिए हो या सेल से बाहर की तरफ मुझे रिलीज कराना हो तो आईधर either way this is going to work as a post office of the cell so function of golgi functions of golgi ठीक है फंक्शन ऑफ गोल्जी के लिए हमने एक छोटा वर्ड बना दिया स्टैम्प कहां लगते हैं स्टैम्प पोस्ट ऑफिस में ठीक है पोस्ट ऑफिस में हमारे स्टैंप लग रहे हैं क्या स्टैंप लग रहे आ जाओ शुरू करें रेडी देन फर्स्ट सिक्रेशन सिक्रेशन आउट ऑफ द सेल सेल से बाहर कुछ रिलीज करना है कहीं कुछ किसी को न्यूट्रिशन देना है अगर मॉर्फोलॉजी चैप्टर याद हो तो

Secretions. दूसरा ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज कहीं भी लेके जानी है वो गोल्जी के थ्रू जाएगी विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल डिपेंड्स ठीक है वैरी कर सकता है किधर से किधर जा रहा है ए, एक्रोजोम एक्रोजोम इज हेड ऑफ़ स्पर्म इन ह्यूमंस ह्यूमन स्पर्म के हेड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जाता है ओवम के लेयर्स को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर सो द टिप ऑफ द ऑफ़ द स्पर्म इज मेड अप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी नोन एज एक्रोजोम दूसरा मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन किस चीज का ईआर से मेरे पास आया था प्रोटीन एस -E से मेरे पास आया था लिपिड अब ये क्या करेगा शुगर के साथ कंबाइन कर देगा इट इज गोइंग टू फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड्स ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोवर्ड का मतलब शुगर लिपिड और शुगर को कंबाइन किया लिपिड कहां से आया एसीआर से आया ठीक है ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन शुगर और प्रोटीन को साथ में कंबाइन कर दिया कहां से आया प्रोटीन आरईआर से आया ठीक है जिसमें डी है ना इस वाले को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडेशन एनसीआर की रीडिंग करेंगे हम तो गोलजी के पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दिया हुआ है ठीक है एंड दिस इज नोन एज ग्लाइको रिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइलेशन इज ग्लाइको और प्रोटीन को मिलाना ग्लाइकोसाइडेशन इज लिपिड और शुगर को मिलाना ठीक है बेटा अब ये हो सकता है रूट से बाहर निकाल दिया जाए या अगर रूट में मतलब सेल से बाहर निकाल दिया जाए सेल को चाहिए होगा तो वहां रख लिया जाएगा हाँ इजी यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट पी अब आपके पास कंडीशन क्या आ गई है कि मॉडिफिकेशन तो कर दिया मैंने आगे क्या समटाइम्स इट ऑल्सो इज इन्वॉल्व एस के अंदर एस और पी थोड़ा थोड़ा सिमिलर आएगा एस और पी में हमारे पास क्या आ जाएगा एक तो शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर ठीक है चलो किचन ऑफ सेल क्या हो गया किचन ऑफ सेल हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्योंकि फोटोसिंथेसिस से शुगर बना के मुझे वो देगा तो ग्लूकोज जो है शुगर बनती है एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में है बट अगेन मॉडिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन गॉलजी क्यों ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको लिपिड तो ग्लाइकोवर्ड भी तो है ना उस शुगर का भी कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे सो गोल्जी बिकम्स इंपॉर्टेंट यल्सो ठीक है कि शुगर के थोड़े सिंथिसिस में आपको मदद कर देगा राइट हाँ चलो तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा पी फॉर प्लाज्मा मॉडिफिकेशन एंड देन लास्ट इज फॉर सिंपल सिंथेसिस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर तो शुगर का अगर शुगर सिंथेसिस से रिलेटेड भी बोल देगा कुछ तो वो भी ठीक है गलत नहीं होगा कंप्लीटली ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है डिफरेंस ये नहीं कह सकते आपकी शुगर यहाँ पे ग्लूकोज बनता है वो गलत है क्योंकि आप जानते हो ग्लूकोज कहाँ बनता है फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस कहा होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास चलो निकले आगे राइट सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल गोल हमारा हुआ जय 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 जी बाबा जी नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्गेनली गोल जी जिंदाबाद नेक्स्ट वैक्योन्स अब देखो गोलजी के अंदर ज्यादा ज्यादा आपका स्ट्रक्चर आ सकता है पैराग्राफ की रीडिंग जरूर करना कोई डेटा दिया है ईयर दिया है डिस्कवरी ये सब कुछ मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ दैट इज वेयर यू हैव टू राइट एंड लर्न एंड लर्न अब आ जाते हैं थर्ड ऑर्गेनली थर्ड ऑर्गेनली दैट वी हैव इज लाइज अब ये बड़ी मस्त चीज है भाई डू यू रिमेम्बर ये गोल्जी का वेसिकल एंड गोल्जी के वेसिकल्स कभी कभार अपने में एंजाइम पैक करके निकलते हैं ठीक है ओवरव्यू दिखाऊंगे तब समझ में आ जाएगा सम ऑफ द वेसिकल्स फ्रॉम रिलीज फ्रॉम गोल्जी कंटेन एनजाइम्स इन दम ठीक है इसके अंदर जो एंजाइम्स है ना बेटा दिस इज नोन एज योर प्राइमरी लाइजोजोम प्राइमरी लाइजोजोम्स हैव इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पहली बात तो वट आर हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ते हैं ठीक है जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रोलेजेस पेक्टिन को तोड़ने वाला पेक्टिनेज प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीनेज ठीक है तो कोई भी कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई भी एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ रहा है हाइड्रोलेटिक एंजाइम लेकिन ये एंजाइम मैंने इनएक्टिव फॉर्म में रखे हुए हैं क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास कुछ डाइजेस्ट करने को नहीं है कहां से आए ये एंजाइम कहा से आए ये गोल्जी से क्या गोल्जी अपने आप को बना सकता है नहीं क्यों? क्योंकि एंजाइम बना हुआ है प्रोटीन का प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड का धीरे धीरे बोल रही हूं ताकि आप मेरे साथ ट्रैक कर सको इस चीज को ठीक है प्राइमरी हैव इनएक्टिव एंजाइम्स एंजाइम का मतलब ये प्रोटीन है प्रोटीन है मतलब अमाइनो एसिड का चेन है ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड का चेन गोल्जी खुद तो बना नहीं सकता मॉडिफाई करा होगा उसने लेकिन उसने खुद बनाया नहीं है हा? खुद बनाया नहीं है कौन बना सकता है ईआर आर ई आर में भी कौन सा वाला आर की एस क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम बैठा था और एक्चुअली राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना ठीक है तो कहानी बहुत पीछे से चली आ रही है जो इस तक पहुंची कहानी बहुत पीछे से चली आ रही है वी हैव टू ट्रैक द होल लाइन ठीक है हिंट हमें पकड़ते चलना है प्रोटीन जब बनता ही रा, राइबोसोम पे है तो ये एंजाइम खुद अपने आप तो गॉल्जी ने नहीं बनाया इसका मतलब गॉल्जी ने इसको मॉडिफाई किया तो उसका मतलब कि ये मेरे पास आर से आया सो so, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मेरे पास बने हैं इनका प्रिकर्सर आर ई आर से आ रहा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रिकर्सर ऑफ दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रसर ऑफ दिज एंजाइम वॉज फॉर्मड एट आर जिसको फिर हमने गोलजी में भेजा गोलजी ने उसको मॉडिफाई किया और एक वेसिकल में रिलीज करके छोड़ दिया जिस वेसिकल में रिलीज करके छोड़ा उसमें इनएक्टिव कंडीशन है इनएक्टिव कंडीशन इसलिए मेनटेन करा हुआ क्योंकि अभी कुछ खाने को है नहीं ठीक है कुछ खाने को दे दो तो एक्टिव कर देंगे एंजाइम्स अब खाने को चीज कहाँ से आएगी प्लाज्मा एम्ब्रेन से लेके आते हैं बाहर से दिस इज योर प्लाज्मो एम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब बाहर से आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने एक फंक्शन पढ़ा था फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस का एंडोसाइटोसिस अंदर कोई खाने की चीज लेने में तो ये इसने खाए बड़े बड़े पार्टिकल्स दे दबा दबा खा के ठीक है इसने जो वो पार्टिकल्स खाए उनको एक वेसिकल के फॉर्म में अंदर लेके आ गया जब अंदर लेके आया तो ये पार्टिकल जो इतना बड़ा वेसिकल है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स है मैं इसको बोलूंगी पैगो जो आर गोइंग टू कैरी फूड पार्टिकल इन साइड द सेल ठीक है जैसे उसने अंदर लिया इसको ये दोनों बेटा कर जाएंगे कंबाइन प्राइमरी लाइजोम एंड फैगोजोम्स कंबाइन टूगेदर और अब मेरे पास अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट करने हैं क्यों क्योंकि अब मुझे कुछ खाने को मिल गया डाइजेशन के लिए मिल गया ब्रेकडाउन के लिए मिल गया ब्रेकडाउन के लिए मिल गया कुछ तो ब्रेकडाउन शुरू भी करेंगे इसका मतलब आई विल नाउ एक्टिवेट एंजाइम्स और ये वाला वेसिकल अब मेरा कहलाएगा सेकेंडरी सेकेंडरी लाइजोजोम क्या कहलाएगा सेकेंडरी लाइजोजोम कहलाएगा द सेकेंडरी लाइजोजोम इज विद

एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर सेकेंडरी लाइज या आप कह सकते हो इनके लिए दूसरा नाम इज द नेम फॉर दिस एंड दैट इज हेटरो ठीक है हेटरो फैगोजोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल ओहो लव यू लव यू शुरू हो गया ठीक है बेटा हम्म हाइड्रोजन का प्रोटॉन और किसका प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एच प्लस ओहो हो एक इंसान को तो यहाँ भी कंफ्यूजन है कि चैप्टर कौन से चल रहा है बेटा जाने दे छोड़ जाने दे कोई नहीं कुछ और करेंगे जिंदगी में बढ़िया ठीक है अब देखो ये प्राइमरी लाइसोसोम था जो गोल्जी के वेसिकल से बना था जिसने गोल्जी ने एंजाइम पैक करके दिए थे जो उसने ईआर से लिए थे ये आया यहां इसने खाया फैगोजोम ये आ गया मेरा एक्टिवेटेड हाइड्रोलिटिक एंजाइम के साथ सेकेंडरी या डाइजेस्टिव वैक्यूल या फिर हेट्रोफेगोजोम अब खा लेगा पचा लेगा जो खाएगा खा जाएगा खा जा जा नहीं खाएगा बचेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सो सम वेस्ट इज लेफ्ट ओवर ठीक है इसने खाया पचाया अब इसके पास बच जाता है खाली टूटा फूटा सामान वेस्ट वट हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने जो चाहिए था सेल को सेल को दे दिया जो नहीं चाहिए अब वो फेंकना है बाहर क्योंकि टॉक्सिक है वेस्ट प्रोडक्ट है तो आपका हर एक सेल वेस्ट प्रोडक्ट अपना ब्लड स्ट्रीम में भेजता है वो लेके जाएगा किडनी किडनी बार ठीक है ना दिस वेस्ट प्रोडक्ट वाला बॉडी इज नोन एज रेजिडुअल बॉडी रेजिडुअल बॉडीज कंटेन वेस्ट ठीक है दे कंटेन वेस्ट तो इनको बॉडी से निकालना जरूरी है अदरवाइज दे विल बिकम टॉक्सिक ठीक है दे विल बिकम टॉक्सिक फॉर द सेल तो सेल मरेगा और सेल मरने लगेंगे तो फिर आप जानते हो क्या होता है ठीक तो इसको बाहर निकालना है और आप जानते हो अगर किसी सेल में से मैं कोई चीज बाहर की तरफ धक्का दे रही हूं तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज व्हाट एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ सेल ने निकाल के फेंक दिया सो so,

किरदार पता चलता है कौन क्या है कौन किससे रिलेटेड है तो पेशेंस रखना पड़ेगा पिक्चर के लास्ट दस पंद्रह मिनट में पता चलता है कि हाँ मस्त थी भाई पिक्चर व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इज कि पहले ही सीन से ऐसा कुछ हो जाए सबको एकदम धमाकेदार रोहित शेट्टी पिक्चर चाहिए ठीक है सो समटाइम्स इट इज नॉट दैट बिकॉज दिस टू मेक सम सेंस एंड देन इफ इट हैज टू मेक सम सेंस तो हमको थोड़ा बिल्डअप करने दो कहानी अब कहानी का लॉजिक बनने लगेगा आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई ना काम करने इसके साथ साथ तो अपने आप लिंक धीरे धीरे बनने लगेंगे ठीक है क्लियर लिखा याद यहां तक तो अब आप सथ, खुद देख लो सिंपल सा फंडा आप खुद देख लो आपके पास तीन स्ट्रक्चर चार स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बन चुके हैं बेटा तीन स्ट्रक्चर ठीक अब।, अब क्या हुआ मेरे पास पुराना माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा था ठीक है पुराना क्लोरोप्लास्ट है काफी बुढ़ा हो गया बेचारा सालों से काम कर रहा है बोला यार अब नहीं चाहिए हो तुम तो तुमको मार देते हैं नए नए बन रहे हैं हमारे पास थोड़े ज्यादा इफेक्टिव है तुम थोड़े बुढ़े हो हो तो हटो ठीक है जगह खाली करो तो क्या होता है ये प्राइमरी लाइजोजोम ये प्राइमरी लाइजोजोम इसके चारों तरफ आके अपने आप को अलाइन कर लेते हैं प्राइमरी लाइजोजोम अलाइन देम सेल्स अराउंड ओल्ड और डेड ऑर्गेना ठीक है और फिर बनाते हैं पूरा गोला रिलीजिंग दी एंजाइम ऑन दी इन अंदर की तरफ एंजाइम रिलीज करते हैं डाइजेस्ट करके वॉल को और अंदर बैठा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ठीक है ये डाइजेस्ट होने लगेगा इट गेट्स डाइजेस्टेड और फिर रेजिडुअल बॉडी ठीक ये कौन थे ये प्राइमरी लाइजोजोम जो ओल्ड ऑर्गेनलीज़ या पुराने किसी स्ट्रक्चर्स को हटाने के काम आ रहे हैं या इंटेंशनली प्लांट ने या सेल ने बनाया है इंटेंशनली आपके सेल ने खुद बनाया कि नहीं यार इस पार्ट को हटा दे इस सेल को मार दे इधर हटाओ इसको हटाओ सफाई करो तो दीज आर नोन एज ऑटो फैगिक लाइजोजोम Now, autophagic lysozomes, autophagic lysozomes are lysozomes जिनकी से हम lysosomes को ओवरऑल बैग भी बोलते हैं क्यों क्योंकि अगर ये वाला ये ये जो आपके ऑटोफेगिग्लाइजोजोम है ये ढंग से बस् नहीं हुए तो दैट कैन ऑल्सो लाइज द सेल विच इज एक्चुअली नॉट दैट ट्रू देखो होता क्या है ना आप ये जानते हो कि इन एंजाइम्स को काम करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए है ना तो अगर सेल में फटता भी है एंजाइम अगर एसिडिक कंडीशन साइटोप्लाज्म में नहीं मेनटेन है तो ये एंजाइम खुद ब खुद इनएक्टिवेट हो जाएंगे नो प्रॉब्लम बट इफ इट इज स्टिल एक्टिवेटेड देन इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ द होल सेल जैसे आप बचपन में जब बिल्कुल बेबी एम्ब्रियो स्टेज तब आपके पास क्या है ना आपके फिंगर्स के बीच में वेब्स होते हैं अब वो आब, आपके पास आप नहीं है ना वो वेब्स वो खत्म हो गए एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे आपकी आंखें बंद होती हैं पूरी शर्ट कंप्लीटली लेकिन फिर ये ओपन हो जाता है ठीक है सो अलॉट ऑफ डेवलपमेंट एनवायर जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे ये बहुत मदद करते हैं हमारे इनफैक्ट द होल लाइजोजोन कैटेगरी हेल्थ अलॉट इन रिमूविंग द स्ट्रक्चर दैट वी डोंट नीड टेल वेब्स बिट्वीन योर फिंगर्स ठीक है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो कि नहीं रिक्वायर्ड है उनको हटाने के काम आता है हमारा लाइजोजोम राइट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कंट्रोल तरीके से बर्स्टिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड क्योंकि वो चीजों के हटाने में और उनके ओल्ड चीजों को निकालने में काम करेगा और रेजिडल बॉडीज को बाहर फेंकना भी जरूरी है क्योंकि अगर ये अक्यूमुलेट हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं इट कैन लीड टू ्यूमिलेशन में लीड टू डिसऑर्डर्स सच एज लंग फाइब्रोसिस लंग फाइब्रोसिस लंग्स में आपका वही फाइब्रोसिस वगैरह बन जाना ठीक है गाउट एथराइटिस गाउट थ्राइटिस और पॉलिनेफ्राइटिस नेफ्रॉन किडनी का सेल नेफ्रॉन्स मल्टीपल नेफ्रॉन फेलियर आप सोचो आपका बाकी बॉडी का सेल नहीं एक्सक्रीट आउट कर पा रहा कोई चीज चलेगा ठीक है एक दो सेल है थोड़ा शायद मर भी गए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपके किडनी को कितना इंपॉर्टेंट है द सेल्स ऑफ योर किडनी टू एक्सक्रीट आउट द सेल जो अभी जो, जो, जो भी आपका टॉक्सिन आया ठीक है उसके आसपास तो पूरा टाइम

ठीक है ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स हैं खुद को खाने वाले ऑटोफैगिक सेल्फ ईटिंग है ना और रेजिडुअल बॉडीज है सो देर आर फोर डिफरेंट फंक्शन दैट आर बींग परफॉर्म बाय द सेम वेसिकल ठीक सेम स्ट्रक्चर तो ऐसे को हम लाइजोजोम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा इट शोज पॉली मोरफिजम मल्टीपल मोर्फोलोजी एन ऑर्गिनली दैट शोज अ मल्टीपल मोरफॉलोजीज फंक्शन वेरिड है इसका बहुत ठीक है वेरिड फंक्शन यहां तक लिख लिया बेटा क्लास में लेट आओगे तो मैं कैसे अब दोबारा चार चार बार रिपीट करूंगी हाँ टाइम से आओ या रिकॉर्डिंग रेफर करो फिर क्लियर मूविंग ऑन बेटा वैक्यूल जल्दी से हम लुकिंग एन द कॉमेंट सेक्शन क्विकली बता दो मुझे एक बारी चले आगे खुशी बेटा यस yes. चलो मूविंग ऑन टू द फोर्थ फोर्थ कैटेगरी फोर्थ हमारे पास आ जाता है वैक्यूल वैक्यूल्स वैक्यूम्स वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जैसा कि हमने बोला ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा का पूरा ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास ये महाशय है चारों के चारों ई आर गोल्जी वैक्यूल्स लाइजोजोम ई आर गोल्जी लास्ट कैटेगरी कुछ हल्का फुल्का रिलेटेड इनसे ज्यादा नहीं तो so, फंक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आप देखो ई आर गोल्जी और ये लाइजोजोम कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे है ना ये इतना इंटरकनेक्टेड नहीं है ज्यादातर वैक्यूल्स का हमारे पास काम होता है स्टोरेज ठीक है तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स दैट वी सी

सैप वैक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर उसके अंदर फ्लूड स्टोर होता है सो लॉट ऑफ इट इज हेल्पिंग इन स्टोरेज स्टोरेज ऑफ वाटर स्टोरेज ऑफ मिनरल्स स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक पिगमेंट भी मिलता है हमको यहाँ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कॉल्ड एज एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कॉल्ड एज एंथोसाइनिन इज आल्सो सीन इन सैप वैक्यूल ठीक है अब इतना कुछ हमारे पास स्टोरेज में मिलता है स्टोरेज में मिल रहा है हमें राइट लुकिंग एट दिस स्टोरेज के अलावा क्या काम कर सकता है हमारे लिए वैक्यूल तो देर आर डिफरेंट टाइप्स दूसरा हमने गैस वैक्यूल के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बैक्टीरिया के अंदर साइनो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर गैस वैक्यूल इज जस्ट हवा ठीक है एक एयर का बबल है नॉन नॉट बाउंड जबकि इसमें मेमब्रेन है और इसके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट ठीक है ये किस किसमें हेल्प help करेगा हेल्प्स इन बयंसी दैट इज फ्लोटेशन अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड वी हैव कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स और वैक्यूल्स जो कि आपको डायनोफ्लाजिलिट्स डाय आइटम्स वगैरह इन सब चीजों में मिलते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स, अमीबा वगैरह में मिलेगा आपको दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑस्मो रेग्युलेशन मीन्स मेंटेन रेग्युलेट्स ऑस्मोटिक बैलेंस सेल के अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कैसा है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है कोई वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के लिए तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें ज्यादातर वैक्यूल एक्सक्रीशन का काम कर देता है कूल दिस कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बार ही पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक साथ ड्रॉ करते हैं उसका सारा लेबलिंग करते हैं लेट्स सी कि क्या रहता है अच्छा ये चीज मैं ना स्पेशल क्लास में करा देती हूँ वैसे तो आप लोगों ने सब कुछ बनाया ही हुआ है जो ऊपर स्पेशल क्लास पिन करी हुई है ना मैंने उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ओवरव्यू बनाएंगे और राइट दी ओवरव्यू ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन स्पेशल क्लास जस्ट एट टू दो बजे इसके मैं आगे चल रही हूँ रीजन भी कि हमने थोड़ा आज हेडिंग चैप्टर का जो दिया हुआ है उसके उसको थोड़े बहुत तो कंप्लीट करें सो वी आर गोइंग टू मूव टू द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली दैट इज माइटोड्रिया शीट भी खत्म हो गया था मेरा ही 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 हमारे एक सर थे वो बोल रहे मीटोकंड ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द होल एंडो इट इन स्पेशल क्लास ठीक है जाते ही मैं सबसे पहले आपको वही बनवा दूंगी फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर मॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड लेट्स सी आगे ठीक चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं और राइट right. So we are starting with mitochondria, which is a double membrane structure. First point, it is a double membrane organelle. Double membrane organelle. Double, double membrane ka matlab do. अर दो होंगी बाइलेर बायलेयर ठीक है बाइलेर बाइलेयर माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन्ड स्टेन्ड बाय अ वाइटल स्टेन वाइटल स्टेन एंड दैट वाइटल स्टेन इज जैनिस ग्रीन आप देखो बेटा जैनज ग्रीन वाइटल स्टेन क्यों है वाइटल स्टेन stain, वो स्टेन होते हैं द स्टेन दैट विल नॉट किल द सेल वाइटल स्टेन विल नॉट दे डू नॉट इट नॉट किल सेल सेल को नहीं मारता तो इसका मतलब मैं स्टेनिंग करूंगी ज्यादातर हम जब स्टेन करते हैं ना सेल को तो सेल मर जाता है उसके आगे फंक्शन नहीं रहता बट वाइटल स्टेन जस्ट लाइक जैनस ग्रीन अगर आप इससे इसको स्टेन uh, करते हो तो आप जिंदा सेल देख सकते हो यू कैन एक्चुअली सी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडिंग अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख जाएगा एंड क्योंकि आप डिवाइडिंग देख सकते हो तो ये डिविजन करता कैसे है डिवाइड डिवाइड बाय बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है ठीक है बाय बाइनरी फिजन ओके अच्छा स्टेन नहीं पता क्या होता है लैब में हम चीजों को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देख सके उसके लिए हम एक कलर यूज करते हैं ज स्टेन ठीक है ओके हाँ राइट और एक चीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या पढ़ते आ रहे हो इट इज नोन एज उाइल हाउस ऑफ द सेल पार हाउस ऑफ द सेल ठीक है इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल और एक और मस्त बात ये मेन साइड है एरोबिक रेस्पिरेशन की एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम एटीपी का सिंथेसिस करा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ के सो दिस इज द साइट और किसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन उसी से एनर्जी आती है बहुत सारी और उसी एनर्जी के वजह से हम इसको पार हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं ठीक है हाँ अब डायग्राम बना रहे हैं तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम लेट्स ड्रॉ द डायग्राम डायग्राम को बना के फिर उसको लेबल करते हैं ठीक है डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बना दूँ यहाँ पे थोड़ा हम फंक्शन वगैरह सब कुछ लिख लेंगे वी हैव द स्पेस योर मैं छोड़ रही हूँ आप लोग नीचे डायग्राम बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट सो ड्रॉइंग द डायग्राम आया गया, आ गया, वापस आ गए आ गए वापस, ओके चलो तो थोड़ा दोबारा बनाते हैं देख लेना स्कूल वाले बच्चा पार्टी स्पेशली जो लोग बच्चे स्कूल में हैं ठीक है हमारा मस्त डब्बे वाला माइटोकॉन्ड्रिया कितना इतना इंपॉर्टेंट काम होता है ना बच्चों को जैसे नेट गायब वो गए गायब थोड़ा सा नेट में फ्लक्चुएशन आती गायब ओह माय गॉड वेट सो इंपॉर्टेंट सो बिजी कोई नहीं चलो कंटिन्यूइंग आगे लेबल लेबल करेंगे इसको फिर इसको इसको ठीक है तो एक है बाहर वाला मेंब्रेन नोन एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन हैज अ कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो बड़े बड़े प्रोटीन है इनके पास लार्ज साइज प्रोटीन जो हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़े थे याद प्लाज्मा में वैसे ही प्रोटीन बट जिनमें पोर थोड़ा ज्यादा बड़ा है ठीक है विच आर लार्ज पोर इन द प्लाज्मा एम्ब्रेन फॉर्म्ड बाई प्रोटीन प्रोटीन ने मस्त ऐसे बड़ा सा पैसेज बनाया हुआ, होल बनाया हुआ जिसके थ्रू मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रल में इनर माइटो कॉन्ड्रियल मेंब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोरिंस एबसेंट पोरिंस इसमें एबसेंट होते हैं अंदर नहीं होंगे बाहर वाले में होंगे थोड़े बड़े बड़े उंड और वैसे भी बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होगा ना वो थोड़ा ज्यादा परमिबल होगा ज्यादा चीजें आ सकेंगी इनर वाला थोड़ा ज्यादा रिजिड है बोला नहीं ज्यादा चेक करना है मेरे को कि तुम कहां जा रहे हो कौन हो किधर हो ठीक ये हुआ अब आउटर मेंब्रेन और इनर मेमब्रेन के बीच में स्पेस है इसमें भी फ्लूइड होता है ठीक है इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पेरी माइटो माइटोड्रियल स्पेस स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेमब्रेन ठीक है न इसका एक फ्लूड वाला चेंबर तो यह बना बाहर वाला इसके बीच में पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रपेस वाला एक बनेगा ये इसको हम कहते हैं मेट्रिक्स ठीक मेट्रिक्स मेट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे उसके अपने राइबोजोम्स मतलब अपनी मशीनरी प्रोटीन बनाने की 70S राइबोसोम्स एस राइबोसोम्स आपने पिछली बार कहाँ सुने थे बेटा कौन से स्ट्रक्चर में हमने 70S एस राइबोजोम्स देखे थे कल की क्लास में राइबोजोम्स भी क्लियर हो जाएगा ठीक है कौन सी क्लास में हमने लास्ट राइबोजोम्स देखे थे हाँ जी

बैक्टीरिया से मिलती जुलती दूसरा आप देख रहे हो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो काफी नॉर्मल है लेकिन अंदर वाला मेंब्रेन बहुत ज्यादा ऐसे मुड़ा हुआ है राइट दीज स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन विच आर बेंट इन साइड आर कॉल्ड एज क्रिस्टे क्रिस्टे आर इनमेजिनेशन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्यू टू इंक्रीज सर्फेस एरिया इनक्रीज इज सर्फेस एरिया

the function here is not discussed in detail. We are only targeting structure. Filal, structure में मेरे पास क्या है? इस के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ ऐसे गोलू गोलू knob जैसे structures दिखते हैं. On this crystal, you see a lot of these structures. इनको हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स बोल लो या एलिमेंट्री पार्टिकल बोल लो या फिर इसको आप F1, F0 पार्टिकल बोल सकते हो द होल चैप्टर इज डेडिकेटेड टू दिस ऑर्गेनली तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ठीक है और जो बच्चे प्लस पे है ना और बाय चांस मेरी क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उनको भी बता रही हूँ बेटा वी विल बी डूइंग दिस अगेन मैं ये डायग्राम बताऊंगी तो थोड़ा इसको डायग्राम को ध्यान भी रख लेना ठीक है एफ वन एफ नॉट पार्टिकल अभी ऑक्सीजोम दिखता कैसे है अगर मैं इस पार्ट को मैग्नीफाई कर दू बेटा लेट्स जस्ट मैग्नीफाई आउट ऑफ फ्यू दिस पार्ट पार्टो यहाँ ले जाए अगर हम ठीक तो हमारे पास ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर बैठता है यह ऑक्सीजोम इसमें यहां पे ऐसे इसका होता है बेस इसको हम कहते हैं बेस छोटू सा स्टॉक और ये गोला ये डंडी जो यहां पे निकाली इसको कहा स्टॉक एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड ठीक है तो जो सर्कल जैसा दिखता है ना वो एफ वन है This is F1 particle. और जो ये डैश डंडी जैसा दिख रहा है वन जैसा है लेटा हुआ वन है ना दिस इज नोन एज एफ नॉट तो जो जीरो जैसा दिखता है वो वन है और जो वन जैसा दिखता है वो जीरो है हाँ जिंदगी में वैसे कंफ्यूजन अब करिश्मा कौन रवीना कौन ठीक है अंकल कौन वाला कंफ्यूजन आया तुम्हारे पास राइट right. सो so, जो एफ वन जैसे दिखता है वो जीरो जैसे दिखता है वो वन है अंकल कौन सो कंप्लीट लेबल कर लिया आई एम जस्ट धीरे धीरे गोइंग ताकि हर कोई बच्चा लिख ले बाद में टाइम ना वेस्ट करना पड़े आप लोगों को और टाइम ना लगाना पड़े इस क्लास के अलावा ठीक है दो बजे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा ओवरव्यू भी बनवाऊंगी क्लास में तो आ जाना लिंक मैंने ऑलरेडी ऊपर पिन कर दिया है बेटा यू कैन ज्वाइन मी देर एंड कुछ बच्चे बहुत टाइम से पूछ रहे थे मॉर्फोलॉजी uh, के क्वेश्चंस के लिए भी तो दैट आल्सो वी विल डू कूल डन फंक्शन हाँ हाँ ये जो एफ एन एफ नॉट पार्टिकल है ये एक्चुअली आपका एटीपी बनाने में हेल्प करता है ठीक है द एफ एन एफ नॉट पार्टिकल इज द मेन साइड मेन साइड जहां पे आपकी एनर्जी बनती है राइट सो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज

ये बस इतने से क्रिस्टे हैं ठीक है तो ये थोड़ा कम एक्टिव होगा वेर एज इफ यू हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज लाइक दिस देखो इसके क्रिस्टे कितने सारे हैं ठीक है मोर क्रिस्टे मीन्स दैट इट इज मोर एक्टिव एंड इट इज प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी 10. हो गया ना अब आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभी एक ये मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूं क्योंकि किसी स्टेट बोर्ड की बुक में था ठीक है स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड की ही बुक में था वहां पे बच्चे पूछते रहते थे इस टर्म को तो अगर इफ यू एवर कम अक्रॉस माइटोप्लास्ट माइटोप्लास्ट सो माइटोप्लास्ट इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विदाउट आउटर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर पाएगा एनर्जी नहीं बना पाएगा इसका लॉजिक आप खुद समझ जाओगे जब मैं रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी ठीक है खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों बट आउटर माइटोकॉन्ड्रल मेंब्रेन अगर नहीं है सिर्फ इना माइटोकॉन्ड्रल मेंब्रेन है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बना पाएगा ठीक यहां तक डन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज दैट इज प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स ठीक प्लास्टिड्स ओके प्लास्टिक आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेकिन हमारे पास तीन तरीके के ब्रॉडली डिवाइडेड है प्लास्टिक डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज कंपाउंड ठीक है प्लास्टिक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स पहला आता है ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोब्लास्ट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज किसी चीज को स्टोर करना है उसके लिए आपके पास ल्यूको होता है जैसे अगर आप स्टोर करना चाहते हो स्टार्च यू वॉन्ट टू स्टोर स्टार्च तो स्टार्च के स्टोरेज के लिए हमारे पास आ जाता है अमाइलो प्लास्ट हम क्या कहते हैं उसको अमाइलो प्लास्ट भर भर के उसमें स्टार्च भर दिया हमने

Find it. ठीक है? मिल जाएगा? जिन सेल्स के अंदर अब यारिंक तो करूंगी ना जो बच्चा साथ चल रहा है उसके तो कनेक्शन सही बनने चाहिए अनाटमी का लेक्चर जब आप देखोगे तो आप देखोगे की डायकॉट के स्टेम में डायकॉट के स्टेम में एंडोडर्मि का कुछ खास काम होता नहीं है तो हम उसको स्टार्च रख दे देते दे दे हैं स्टोर करने के लिए रख ली काम आएगा तेरे ले लेंगे ठीक है तो किस फॉर्म में स्टोर होगा अमाइलो uh, प्लास्ट के फॉर्म में थर्ड इज वेन यू आर ट्राइंग टू स्टोर प्रोटीन एल्यूरो प्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट का एग्जाम्पल एल्यूरोन लेर सीड मोनोकॉट का सीड अभी मैंने मोरफोलॉजी में पढ़ाया था मेज एंडोस्पर्म का आउटर लेयर इज नोन एज एल्यूरोन इन प्रोटीन प्रोटीन में रिच है तो स्टोर कर रहा होगा कहीं पे कहां स्टोर कर रहा है इन स्मॉल स्मॉल प्लास्टिक्स एंड दैट इज एल्यूरो प्लास्ट आर समथिंग दैट आर सीन इन प्लांट सेल्स बट एबसेंट in animal sense okay hmm chromoblast ल्यूकोप्लास्ट हुआ स्टोरेज नॉर्मल किसी भी कंपाउंड का स्टोरेज आ रहा है क्रोमोप्लास्ट भी स्टोरेज में जाता है लेकिन ये पिगमेंट स्टोर करता है ऑरेंज कलर आप देखो एक्चुअली होता क्या है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में चेंज टू क्रोमो और इवन समाइम्स ल्यूको कैसे आपने देखा होगा हरी मिर्च जो है बड़े बड़े पेड़ पे लगे लगे लाल हो जाती है तो क्लोरो ग्रीन से कलर्ड हो गई है रेड हो गई है हुआ क्या है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो खत्म हो जाता है वो डिग्रेड हो जाता है तो जो दूसरा पिगमेंट हमारे पास बचता है वो ब्राइटली दिखने लगता है एंड दोजा कैरेटोनोइ्स कैरेटोनॉइड्स आर फैट सोल्यूबल फैट सोलबल पिगमेंट्स जो कि यहाँ पे स्टोर करे जा रहे हैं इन क्रोमोप्लास्ट। ऐसे देखो आप हरे रंग का आम जो है वो आपका पक के ऑरेंज येलो हो जाता है, है ना? ऐसे ही आपका आ, पपाया, हरा पपीता पक्का पपीता हो जाता है है ना तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं जहाँ की आप देखोगे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर चेंजेस इट्स कलर टू तो ऑरेंज और रेडिश और वो सब क्यों हुआ क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसने क्लोरोफिल अपना डिग्रेड कर दिया इट इज नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एनी मोर बस पिगमेंट रह गए हैं इन फॉर्म ऑफ क्रोमोप्लास्ट ठीक नाउ कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक में है प्लांट में बिकॉज दिस इज द साइट फॉर एन एक्सक्लूसिव इवेंट दैट ओनली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड ग्रीन ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस तो हमारे पास आ गया क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पॉइंट नंबर वन डबल मेंब्रेन तो है ही डबल मेम्ब्रेन तो सारे ही हैं, डबल बाउंड दूसरा इसको स्टेन करने की जरूरत ही नहीं है वैसे ही पिगमेंट लेके खुद ही बैठा है तो आपको इसको स्टेन करने की जरूरत नहीं है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने जानस ग्रीन से स्टेन किया था इसको एज सच इतना स्टेनिंग की जरूरत नहीं है दिस इज इनफ दैट इट हैज ठीक फिर डिवाइड्स uh, बाय divides by binary fission to तो mitochondria se ye point mila iska binary fission se divide karta hai theek hai agla point third point site for photosynthesis main site photosynthesis also known as kitchen of the cell खाना है पे। ठीक है साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस मेन कौन सा ग्लूकोज uh, ठीक है इसका डायग्राम बना रही हूं मैं उसके बाद यहाँ पे थोड़े पॉइंट और लिख लेंगे बट मेन इज वॉट वी वॉन्ट टू राइट डाउन इज द डायग्राम ठीक रेडी द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट

ठीक है तो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर जिसमें हमने एल्गी पढ़ा है उसमें हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी पढ़े स्टार शेप क्राउन शेप ठीक है एग्जाम्पल्स के साथ तो यू कैन रेफर एल्गी चैप्टर फॉर दैट और एल्गी का uh, सेशन फॉर टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास शेप्स ठीक है हाइलाइटर <laughs> से काम चलेगा क्या चलो ये यार ऐसे मन अच्छा नहीं लगता है रुको गिव मे वन मिनट हाँ ढंग से बनाती हूँ मैं डायग्राम इसका ऐसा बना लेते हैं स्ट्रेट विंग हमने कारीगरी नहीं करी कैसे चलेगा आया राइट ना एट दिस एट दिस सबसे बाहर वाला लेयर फिर वही डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना बेटा आपको सबसे बाहर वाला लेयर आउटर मेम्ब्रेन इस आउटर मेंब्रेन के अंदर आपको पोरेंस फिर से मिलेंगे वही लार्ज प्रोटीन्स लार्ज पोर वाले प्रोटीन्स ठीक फिर नेक्स्ट इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन देर आर नो पोरेंस लेस परमेबल लेस परमेबल ओ नो पोरेंस, अंदर वाले मेम्ब्रेन में नहीं है बाहर वाले मेम्ब्रेन, ठीक, अब इसका लिक्विड वाला ये इन दोनों के बीच का स्पेस द स्पेस बिट्वीन द आउटर एंड द इनर मेंब्रेन इंटर में स्पेस इंटरमेम स्पेस कूल क्लुड इन साइड ये लिक्विड कॉल्ड एज स्ट्रोमा स्ट्रोमा इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस में ना दो रिएक्शन होते हैं बेटा डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन अलग जगह ये साइट स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन जो फ्लूड वाला पार्ट है लिक्विड वाला पार्ट है जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोला था यहां उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं स्ट्रोमा में आपको वैसे ही मैट्रिक्स के जैसे प्रेजेंस मिलेगा ऑफ सेवेंटी एस राइबोसोम्स। अगेन अ होल चैप्टर डेडिकेटेड टू दिस ऑर्गेनली पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का इस ऑर्गेनली के लिए तो हम यहां पे किस पे ध्यान देंगे जस्ट स्ट्रक्चर ठीक है सेवेंटी राइबोजोम हुआ उसके साथ साथ आई ऑल्सो है सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल लेके बैठे हैं अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है तो ये भी एक चीज माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है ठीक अगला पॉइंट देखो एक सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर वन सिंगल ऑफ इट ये अकेला इज कॉल्ड थायलाकोइड ठीक है थायलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है साइट फॉर लाइट रियाक्शन लाइट रियाक्शन का साइट थाइड की मेमब्रेन एक सिंगल ठीक है एक आलू का पराठा एक आलू का पराठा अब मम्मी ने आलू के पराठे बना के सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए सात आठ आलू के पराठे बना दिए आठ आलू के पराठे एक के ऊपर एक मस्त दैट टूगेदर विल बी नोन एज ग्रानम, ग्रानम, इज सिंगुलर ग्रैना इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वॉट इज इट एक्जैक्टली स्टैक ऑफ पराठे ठीक है स्टैक ऑफ थैलोकोइड स्टैक ऑफ थेलोकोइड ठीक लेकिन ऐसा कुछ पराठा एक लंबा पराठा रख दिया दो पराठों के बीच में एक यहाँ पे एक पे एक लंबा स्ट्रक्चर दो ग्र को जोड़ रहा है लैमिले लैमिला इज ऐसे एक्सटेंशन ठीक ये क्योंकि स्ट्रोमा में कंप्लीटली डिप्ड है इसलिए दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा का तो दिस इज स्ट्रोमा लैमिले लैमिले स्ट्रोमा इज जस्ट एन एक्सटेंडेड थैलोकॉइड लंबा थाइलोक्इड है ठीक है लंबा थाइलोक्इड है तो पराठों का स्टैक आपके पास मिल गया ना पूरा एक लंबा सा पराठा जो दूसरे स्टैक को भी जोड़ रहा है ओके सो वन सिंगल थाइलोकॉइड पूरा ग्रुप ग्राना और उन दोनों ग्राना को जोड़ते हुए स्ट्रोम लामिले बढ़िया अब एक और मस्त बात स्ट्रोमा जब एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है आप आपके पास आलू के पराठों का स्टैक उस गर्म तो पर साइड में फैलेगा फैल जाएगा फैल जाएगा फैल जाएगा, जाएगा और प्लेट में नीचे जाएगा लेकिन दो पराठों के बीच में नहीं आएगा जो आपके पास बटर है अगर आप इसके ऊपर डालते हो है ना तो आपके पास वो बटर बीच में नहीं आएगा राइट right? तो जिस भी पार्ट को बटर छू सकता है वो सारा वो वाला एरिया है जहां पे स्ट्रोमा छू सकता है सो इफ आई लुक एट दिस सोच के देखो ये वाला पार्ट जो है देखो ये रीजन ये यू सी दिस पेरी पे बाहर बाहर है ना इस रीजन को हम कहते हैं द रीजन दैट इज नॉट इन मिडल ट इज इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्रोमा डायरेक्टली जो स्ट्रोमा को छू रहा है ये वाला पार्ट जो स्ट्रोमा को छूता है इस रीजन को हम कहते हैं अनस्ड रीजन अन अप्रेस्ड रीजन और जो बीच वाला पार्ट रह गया जहां पर मक्खन नहीं पहुंच रहे आपने मस्त एकदम गर्मा गर्म, गर्म पराठों के ऊपर मक्खन डाला एकदम दर्द हुआ निकला ये रीजन है बीच में जो दो पराठों के बीच में रह गया और वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है आपका मक्खन ये वाला पार्ट ये न्दर. है ना दिस रीजन विल बी नोन एज अप्रेस्ड बेसिकली प्रेस्ड और अनप्रेस्ड अप्रेस्ड रीजन चक्का हुआ ठीक है सो दिस इज योर फाइनल लेबलिंग ऑफ द होल क्लोरोप्लास्ट अब कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलर हैं सम पॉइंट्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि पॉइंट टू बी नोटेड क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर पहली बात आउटर मेम्ब्रेन में आउटर मेमब्रेन एज पोरस है कि नहीं दोनों में मिला ध्यान देना इस पर दूसरा सेवेंटीएस राइबोजोम्स है दोनों के पास सेवेंटीएस राइबोजोम्स है दोनों के पास तीसरा सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है अपना दोनों के पास जिसमें कि जीसी कंटेंट हाई है एंड नो हिस्टोन्स जीसी क्या है डीएनए चार आ, आपके नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है ठीक है चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस वैरी करता है एडिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ोगे आप ये मोलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ाऊंगी मैं ठीक है देर आर फोर बेसिस विद विच डीएनए इज फॉर्म्ड जी और सी का कॉन्टेंट ज्यादा मिलता है हमको माइट्रोकॉन्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट है उस डीएनए में और हिस्टोन प्रोटीन जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जो डीएनए के कंपाउंड्स को साथ पैक करता है बेटा ठीक है इतना बड़ा डीएनए खोल दोगे पूरा खुल जाएगा तो उसको अच्छे से हम पैक करते हैं पैकेजिंग मटेरियल है डीएनए का ताकि न्यूक्लियस में चीज फिट हो सके प्रो प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है तो उसको फिट करने की जरूरत ही नहीं है तो उसने पैकेजिंग मटेरियल लिया ही ही नहीं, उसने बोला ऐसे चला जाएगा सामान, तो दे ये सारी सिमिलैरिटीज है प्रो कैरियोटिक सेल के साथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर टू बैक्टीरिया विच इज अ प्रो कैरियोटिक सेल तो एक थ्योरी इसमें से निकली इन सारे पॉइंट को देखते हुए वी फाउंड और वी फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी एंड द्योरी इज नोन एज एंड सिंबायंट थ्योरी एंडोसिम्बाइंट थेरी का यह कहना था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट से मिलते हैं तो ये शायद एक पुराना प्रोकैरियोटिक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल जिसको किसी यू सेल ने खाया और फिर जब यह सेल के अंदर आया ना तो उसने बोला कि यार डाइजेस्ट नहीं करते तेरे से काम करा लेते ठीक है आई विल नॉट डाइजेस्ट यू मैं तेरे से काम करा लेता हूं तो माइट्रोकॉन्ड्र क्लोरोप्लास्ट जैसे कुछ सेल्स अंदर आए तो थे और दिस इज वन ऑफ द रीजन आर डबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन उनकी अपनी ठीक है और दूसरी मेम्ब्रेन जब वो इनगल्फ किए गए अंदर तो वो फैगोसोम की मेम्ब्रेन बनती है ना वैसा मेम्ब्रेन बन गया बॉल हट गया धीरे धीरे एवोल्यूशनरीली ऑब्वियसली एक बार में नहीं हुआ सो so, प्रोकैरियोट जैसे सिमिलैरिटीज मिलने का रीजन है कि माइकोकॉन्ड्र क्लोरोप्लास्ट के काफी फीचर्स हैं जो प्रो से मिलते हैं तो कभी किसी जमाने में बहुत सदियों पहले बिलियंस ऑफ इयर्स की बात हो गई है कि ये प्रो सेल खाया किसी यू सेल ने और फिर उसके साथ सिम्बाइसिस में रह गया सिंबाइसिस मतलब तू मेरी मदद कर दे मैं तेरी मदद कर दू ठीक है तू मेरी मदद कर दे मैं तेरी मदद कर दू दोनों एक दूसरे का मदद कर देंगे एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ठीक है दे लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर दिस इज योर एंडो सिंबाइंड थ्योरी ओके एक चीज और निकल के आई क्या निकल के आई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो इफ यू लुक एट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वेरी स्पेसिफिकली तो उसके पास अपनी मशीनरी है प्रोटीन की इट हैज इट्स ओन सेवेंटी एस डाइबोजो एंड इट हैज इट्स ओन सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डी एन एन अपना जेनेटिक मटीरियल है अपनी प्रोटीन मशीनरी है अपना काम करा सकता है ये सारा लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ ये डिपेंडेंट हो गया न्यूक्लियस पे हमारे कितने सालों से रह रहा है सोचो सदियों 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 सदियो, से बिलियन ऑफ यज लिविंग टूगेदर तो क्या हुआ थोड़ा थोड़ा ये डिपेंडेंट हो गया न्यूक्लियस पे और न्यूक्लियस ने भी बोला मेरे को छोड़ के ना भाग जाए ठीक है तो कुछ कुछ फंक्शन ले लिए बोले थोड़ा मैं मदद करता हूं तेरी थोड़ी तू मेरी मदद कर दे इसके पास अपनी 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 मशीनरी है ठीक है अपनी मशीनरी है अपना सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए खुद प्रोटीन बना सकता है खुद डिक्टेट कर सकता है कि कौन सा प्रोटीन चाहिए लेकिन ओवर टाइम ये थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट हो गया है राइट सो दे आर नोन एज ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स इटोकॉन्ड्र एंड क्लोरोप्लास्ट इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे कहलाए जाते हैं सेमी ऑर्गेनलीज सेमी ऑटोनोमस मतलब सेमी मींस आधा ऑटोनोमस डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट वो आधा सेल्फ डिपेंडेंट है क्यों वैसे तो मशीनरी है प्रोटीन की पूरी वैसे मेरे पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी है पूरा बस थोड़ा सा अब मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ न्यूक्लियस पे तो अकेले नहीं एग्जिस्टेंस इतना पॉसिबल है थोड़ी मदद न्यूक्लियस से चाहिए होगी ठीक है सो दैट इज वाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी विल कंप्लीट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज हियर ठीक है टुमॉर क्लास स्टार्टिंग विद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की आज क्लास में एंडो मेमरिन सिस्टम का ओवरव्यू बनाएंगे ऊपर पे पिंड है ऑलरेडी क्लास जिसमें मैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ओवरव्यू बनवाऊंगी और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेल चैप्टर के ही ठीक है सो आई विल सी यू इन क्लास यू कैन गो फॉर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों में से आप किसी के लिए भी जा सकते हो ज़्यादा इंटरेक्टिव और डाउट क्लियरिंग सेशनस के लिए और आइकॉनिक के लिए जाते हो तो एक अलग से आपको मेंटोर मिलते हैं गाइडेंस के लिए तो वो आपको हर चीज में हेल्प कर देंगे जहां पे भी आप फंसोगे द कोड रि सेम कोमल लाइव यूज दिस कोड टू गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ फॉर द नेक्स्ट सेवन डेज ठीक है अगले सात दिनों तक कोमल लाइव कोड यूज कर रहे हो तो ओवरऑल टेन परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट ऑलरेडी स्लैश्ड है प्राइजेस कम है दस परसेंट और टोटल बीस परसेंट का सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इसके अलावा यू हैव अ स्कॉलरशिप एग्जाम ऑन फोर्टीन ऑफ नवंबर संडे को दो बजे कोमन लाइफ कोड अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक नीचे देखना मिल जाएगा लिंक रिवाइव करके है बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है ये देखो इस स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा बेटर ऑफर उफ, ऑलरेडी चल रहा है अभी पंद्रह ऑफ से ज्यादा मिल जाएगा टेन परसेंट ऑलरेडी स्लास्ट प्राइस दस परसेंट और कोमल लाइव यूज कोड करके हो जाएगा काम तो अगर यहां आते हो तो मस्त हो जाएगा फिर पेपर देना पेपर जरूर देना क्या पता घर में किसी और को काम आ जाएगा स्कॉलरशिप पेपर देने में क्या जा रहा है इफ यू आर प्रिपेयर्ड राइट सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स गोइंग ऑन अगर सब्सक्रिप्शन लेना आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स दैट यू कैन गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसके अलावा मेंटरशिप भी मिल जाएगी बहुत सारे नए नए बैचेस भी आ चुके हैं अपना बैच भी आ जाएगा पंद्रह तारीख से और संडे को ही ग्यारह बजे कॉम्बैट भी है बेटा अट्ठाइस क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो देर आर टू चांसेस टू विन स्कॉलरशिप दो चांसेस स्कॉलरशिप जीतने के और अगर वैसे ही आप बिना पेपर देने के भी आना चाहते हो तो भी अराउंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ इज गोइंग ऑन टिल सेवेंटीन ऑफ नवंबर अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक दो दिन में सोच लो क्योंकि पंद्रह तारीख से बेटा मैं फोटो सेंथोसिस स्टार्ट कर दूंगी फिर तुम बीस तारीख को आगे बैठोगे बोलोगे मैम ये लास्ट चैप्टर में है तो प्लीज़ वी देर मेक श्योर दैट यू आर ऑन टाइम फॉर फोटो सिंथिस पंद्रह तारीख से स्टार्टिंग ऑन प्लस फाइव पी एम ठीक है कॉम्बैट भी है इसके अलावा कुछ डी पी पीज के लिए भी ये हो जाएगा डी पी पी मैं भी आज दे दूंगी आपको स्पेशल क्लास में ऊपर uh, चार्ट पे पिंड है लिंक ऑलरेडी एंड आई विल सी यू इन क्लास थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब यू विल गेट द पी डी एफ्स यू विल गेट एवरी थिंग इन द क्लास ऑल्सो वहाँ पर भी आ सकते हो आप थैंक यू सो मच जस्ट क्लिक अवे अगर कोई डाउट है तो आन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो यूज कॉमन लाइफ कोड एंड आई विल सी यू एट टू पी एम दो बजे क्लास है आई विल सी यू थैंक यू सो मच बाय टेक केयर कीप रॉकिंग.